तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वाशिंग्टन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एलड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वैशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इ्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वेशंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था दो हजार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वेशंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एलड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इ्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैन् वैशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वाशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था 2014 में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इ्यूलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इ्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वेशंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वैशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो तो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ज़र मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वेशंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था दो हजार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इ्यूलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वेशंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंथल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वाशिंग्टन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था दो हजार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस, इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वेशंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वैशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलेक्सस स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वशिंगटन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रीज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमाटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमाइटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है।, है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वाशिंग्टन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था दो हजार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इ्यूलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो तो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इक्वलाइजर मूवी के बारे में यह मूवी वैसे 2014 में रिलीज़ हुई थी लेकिन द इक्वलाइजर मूवी काफ़ी फेमस हुई थी इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल पाएगा कि द इक्यूलाइजर मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने द इक्ुलाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था और कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में द इक्वलाइजर मूवी के बारे में पता चल पाएगा आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है पता चल पाएगा कि आपको द इक्वलाइजर मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को डायरेक्ट किया है एंटोइन फकूआ ने राइटर की बात की जाए तो दा इक्लाइजर मूवी को लिखा है रिचार्ड वैंक ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉड ब्लैक ने जैसन ब्लूमेंटल ने डेंजल वाशिंगटन ने अलैक्स स्किन ने स्टीव टिस्ट ने मेस न्यूफेल्ड ने टॉनी एल्ड्रिज ने माइकल सरोवान ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैन् वाशिंगटन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे मार्टन कसोकैस देखने को मिल जाते हैं चलोए ग्रेस मॉर्टिस देखने को मिल जाते हैं डेविड हार्बर देखने को मिल जाते हैं बिल पुलमैन देखने को मिल जाते हैं मलिसा लियो देखने को मिल जाते हैं एंड सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी में सनमैटोग्राफी की है माउरो फियोरे ने एंड एडिट किया है इस मूवी को जोहन रेफ्यूआ ने म्यूजिक किया है द इ्यूलाइजर मूवी का हैरी ग्रैगसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के कोलम्बिया पिक्चर्स एल स्टार कैपिटल विलेज रोड शो पिक्चर्स स्केप आर्टिस्ट मेस न्यूफेल्ड प्रोडक्शंस जीव प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है द इक्यूलाइजर मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट छब्बीस सितंबर 2014 था रनिंग टाइम था इस मूवी का 132 मिनट एंड द इक्वलाइजर मूवी को 55 से लेकर 73 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन नाइंटी टू पॉइंट थ्री मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर डैनजल वैशिंगटन ने रॉबर्ट एमसी कॉल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में मार्टन कसोकैस ने निकोलई इचटैंको का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में चलोई ग्रेस मॉर्टेज का कैरेक्टर मॉर्टेज ने एलिना का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में डेविड हार्बर ने मास्टर्स का कैरेक्टर निभाया है हेले बेनेट ने मैंडी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो द इक्वलाइजर मूवी एक बिजीलेंस एक्शन मूवी है एक्शन मूवी है सो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा एक्शन मिलेगा 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आपको बता दें कि यह मूवी एक द इक्यूलाइजर टीवी सीरीज़ के ऊपर बनाई गई है जो कि नाइनटीन नाइनटीन एटी में आया था उस टीवी शो के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है एंटोइन फुकुआ ने काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया है जाने पहचाने अमेरिकन डायरेक्टर हैं एंड एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है इस मूवी में डैनजल वाशिंग्टन लीडिंग रोल पर देखने को मिल जाएंगे एंड को एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है इस मूवी में इस मूवी की एक्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाली है एंड आई की बात की जाए तो द इक्लाइजर मूवी को आई पर सेवन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली है जो कि अच्छी रेटिंग होती है आपको काफ़ी अच्छी यह मूवी लगने वाली है एंड इस मूवी को गूगल रेटिंग की बात की जाए तो फोर पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को रेट किया है पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं इस मूवी के ऊपर इस मूवी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था दो हज़ार चौदह में इसीलिए इतना हिट साबित हुआ था सो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो अगर आप भी द इक्वलाइजर मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो जैसे कि प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी एप्पल टीवी पर देखने को मिल जाएगी वडो पर रेड बॉक्स पर स्पेक्ट्रम टीवी पर द रोकू चैनल पर एंड प्राइम वीडियो पर इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ कब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम